हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ शवरमा, ठीक है, होम मेड शवरमा। इसके पिज़्ज़ा ब्रेड्स जो हैं वो मैं अपनी मार्केट से ले आई हूँ, आपको किसी भी बेकरी से आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने कुकम्बर और कैबेज जो है वो मैंने बारीक बारीक काट दिया है, और अब उसमें मैंने तकरीबन 7 से 8 भर भर के चम्मच जो है वो मैंने मेयोनीज़ डाल दिया, मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, आप लोग तरीके से भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ये डाल के अब मैं इसको अच्छी तरीके से बंद करके एक साइड पर रख दूँगी। अब इसको मैंने करना है मिक्स, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डालना है ब्लैक पेपर, उसके बाद मैंने इसमें डालना है सॉल्ट, ठीक है। तकरीबन आधे चम्मच से कुछ कम मैंने इसमें सॉल्ट डाल दी है, और सॉल्ट डालने के बाद इसको मैं करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स करके। अब मैंने लगाना है फ्लेम ऑन अपने तवे के ऊपर, ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस करके, ज़्यादा ऑयली नहीं करना, ठीक है, गर्म होना चाहिए। उसके ऊपर मैं अपने ब्रेड्स को अच्छी तरीके से सेक करके उसको मैं सेक कर लूँगी। जब ये अच्छी तरीके से सेक हो जाएंगे, लाइट गोल्डन हो जाएंगे, या आप अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है, कच्चा पक्का आपको जिस तरीके से पसंद है उस हिसाब से उसको आपको फ्राई कर लेना है, ठीक है। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। फिर इसको पलट के दूसरी साइड को भी इसकी अच्छी तरीके से सेक कर लेना है, ठीक है। और सेक करने के बाद इसको आपने एक प्लेट में निकाल लेना है, ठीक है। ये हो गया है बिल्कुल गोल्डन, आप देख लें लाइट गोल्डन सा कलर आया, ठीक है। ये फर्स्ट है, इस पर कलर इतना नहीं आया, क्योंकि आपको पता है पहली रोटी भी आप तवे के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर ठीक से नहीं आता। अब मैंने केचप को थोड़ा सा पानी मिला दिया ताकि बहुत गाढ़ा ना हो, ठीक है, उसका फिर बहुत रिच टेस्ट आ जाता है। उसके बाद केचप के बाद मैंने सलाद पत्ता डाल दिया इसके ऊपर, अच्छे से चिपक गया। ऊपर से मैंने इसके ऊपर जो मेयोनीज का प्योरे मैंने बनाया था वो ऊपर से मैंने लगा दिए इफ्तारी की तैयारी के लिए। इंशाल्लाह हम आज बना रहे हैं ये, अच्छी तरीके से बना देना है इसके ऊपर हमने ये सारा। और अब मैंने चिकन फ्राई किया है, चिकन के अंदर मैंने सोया सॉस, सरका, चिली सॉस और सूखा धनिया, नमक और वाइट चिकन कढ़ाई की थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1/2 से 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें वो मसाला डाला है, ठीक है। उसको मसाला डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लिया, सारी चीज़ें मैं इन्ग्रीडियंट आपको दिखा रही हूँ ये, ठीक है, ये मैंने डाल के और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब मैंने इसको डालना है इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर, ब्रेड के ऊपर मैंने अच्छे से रोल करके, मैंने इसको फर्स्ट टाइम मैं इसको ब्रेड पर बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको टूथपिक्स के साथ बंद करूँ टैकोस की तरह, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से ये हुआ नहीं। तो फिर मैंने इसको, मेरा इरादा तो इसको इस तरीके से करना था, आजकल के हालात में आपको पता है मार्केट्स भी बंद है, हर चीज़ आसानी से नहीं मिल रही, तो उस वजह से मुझे बटर पेपर नहीं मिल पाया, और मैंने उसकी वजह से फिर ब्राउन पेपर में ही मैंने गिरा दिया। ओके चले, नो प्रॉब्लम, मैंने फिर से ठीक कर दिया अच्छे बच्चे की तरह। चलिए जी, अब मैंने इसको ब्राउन पेपर में फोल्ड करके, क्या करें अब ये ख़राब है, इसको फेंक दो, टिश्यू फेंक दिया। चलो अब इसको मैंने इस तरीके से रखा, अब मैं नेक्स्ट 1-2, ठीक है, इनको मैंने रख के तवे पे, अब इनको भी सेक कर लेना है, साथ में तो और भी डाल देती हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। साथ साथ में मैं अपने आलू के पकौड़े भी तल लेती हूँ, ताकि इफ्तार में टाइम है बहुत कम रह गया, तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं और मेरा काम बचा है अभी काफ़ी ज़्यादा। सो मैं पकौड़ों को साथ साथ में तल रही हूँ, और देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर अच्छे से ब्राउन कर लिया है, ठीक है, गोल्डन ब्राउन, ये एक तो बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें साथ में पकौड़े तल दिए, ठीक है, ये देखना कितने बारीक बारीक वेजेस मैंने इसके काट के, इसको कुछ देर पानी में रख देना है, ठीक है, जैसे नॉर्मली आप लोग बनाते हैं, पानी से हो जाते हैं, थोड़े से अकड़ जाते हैं, इसकी शेप अच्छी आ जाती है, ठीक है। मुझे थोड़े डार्क पसंद है, किसी किसी को लाइट पसंद होते हैं कलर, आप अपने हिसाब से कलर्स ला सकते हैं, ठीक है। समटाइम्स मैं भी थोड़ा लाइट कर लेती हूँ, आज वैसे मुझसे थोड़े से 1-2 पकौड़े इसमें डार्क हो गए हैं, क्योंकि 2-2 डिशेस बनाने के चक्कर में, ठीक है,
बाकी वैसे मैं हूँ माहिर, लेकिन क्या करें, चलिए वीडियो हमारी नई नई बन रही है, ऐसा ऐसा हम भी एडिटिंग और ये सब कुछ सीख लेंगे। चलिए बन रही है हमारी। और शुभ, मैंने इसका जो तरीका वो थोड़ा चेंज कर दिया। इस दफ़ा मैंने मेयोनीज का डिप जो है वो पहले लगा दिया, ठीक है। मेयोनीज, खीरा, बंद गोभी, काली मिर्च, थोड़ा सा आप उसको ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मिर्चों वाला पसंद करते हैं आप, चिली सॉस डाल दें उसमें, ठीक है। और मेयोनीज डाल के सब मिक्स करके चिकन डाल दिया है, अब केचप, ठीक है, ठीक है। घरेलू तरीके से सिंपल, कोई एडिटिंग शेडिंग चेंज नहीं हुई, कोई नहीं, बस सिर्फ मैंने वॉइस ओवर किया ऊपर, क्योंकि मैं उस वक्त काम कर रही थी, जल्दी जल्दी बना रही थी और टाइम मेरे पास कम था, तो मैं उस वक्त वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी, ठीक है। मैंने इसमें अंदर जो है वो चिकन और डिप सब कुछ ज़्यादा डाला है, मुझे बहुत कम कम नहीं पसंद, क्योंकि मार्केट में बहुत कम आता है, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया, देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।